नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। आरोन में कल शाम 5 बजे आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन आरोन थाने में किया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारीगण द्वारा बताया गया कि ईद और डोलगारस एक ही दिन होने के कारण नगर में शांति बनाने के लिए नगर के लोगों को अपील की है एवं विद्युत मंडल के अधिकारियों से कहा है कि विद्युत व्यवस्था में कोई भी कमी ना आ पाए। साथ ही जल व्यवस्था नगर पालिका को सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन DYO ने आज गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर स्टेशन मास्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अपनी विभिन्न मांगों को रखा। उनकी मांगों में विशेष मांग ये रही कि गुना से भोपाल की नई ट्रेन चलाई जाए, जिसका समय शाम 5 से लेकर रात 11 के बीच में हो। वहीं भोपाल जोधपुर एवं कटनी कोटा ट्रेन को पुनः पैसेंजर गाड़ी में बदल दिया जाए। रेलवे स्टेशन के निजीकरण को तुरंत ही रोक लगाई जाए। गुना रेलवे स्टेशन को साफ सफाई कर और बेहतर किया जाए तथा पीने के पानी की टंकियों का समय पर सफाई की जाए। इस मौके पर DYO के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थिति दर्ज कराई। आज हम लोगों ने यहाँ गुना स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन देकर DYO की तरफ से मांग की है कि गुना से भोपाल तक एक नई ट्रेन चलाई जाए, ताकि जो छात्र नौजवान और रेगुलर जो अप डाउनर्स होते हैं उनको भी सुविधा हो पाए, एक दिन की बचत हो पाए। साथ में ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो ट्रेनों का जो निजीकरण किया जा रहा है, स्टेशनों का निजीकरण किया जा रहा है, इस नीतिगत उसको नीति को रोका जाए। कुछ ट्रेनों को पैसेंजर ट्रेन थे, उनके एक्सप्रेस बना दिए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं किया गया, जो कि गलत है। अगर एक्सप्रेस बनाया जा रहा है तो एक्सप्रेस जैसी सुविधाएं भी यात्रियों को उपलब्ध होना चाहिए। तो ये तो एक तरह से किराया बढ़ाने की नीति जैसी हो गई है, जो कि मीडिया मानते हैं पूरी तरह से गलत है। साथ में ही गुना का लोकल का जो स्टेशन है उस पर प्रॉपर साफ सफाई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, CCTV कैमरे, ये सारे सुविधाएँ यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएँ, इन सब मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। मोरी थाना अंतर्गत अपनी ही भाभी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। बता दें कि विगत 28 तारीख को महिला फूलवती अपने घर में नहाने के लिए जा रही थी, तभी रिश्ते में उसके देवर ने भाभी के साथ किया कुकर्म। महिला ने गुना पहुंचकर उसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बमोरी पुलिस ने 72 घंटे के अंदर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिनांक 28/8/17 को बांसखेड़ी ग्राम में फूलवती नाम की महिला के साथ उसके सौतेले देवर झंडू ने बलात्कार किया था। वह बाथरूम में जा रही थी, उसे खींच करके मक्के खेत में ले गए, वहां से जाकर मक्के खेत में बलात्कार किया, उसका मुंह दबा करके। उसका पति आया तो सौतेला देवर भाग गया। ये लोग साधन नहीं था बमोरी का, इससे सीधे गुना चले गए थे। गुना में जाकर इन्होंने रिपोर्ट कराई। हमारे पास दिनांक 29 तारीख को देहाती नाल से आई, जिस पर से मैंने प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद लगातार आरोपी की तलाश करता रहा। आज भी आरोपी की तलाश में हम इलाके में गए थे। ASI अजय सिंह चौहान को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गांव में आया हुआ है और अपना सामान लेकर के कहीं बाहर भागने की फिराक में है। तत्काल हम मौके पर गए, आरोपी को भागने से पहले हमने उसे दबोच लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आज न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। DRM शोभन चौधरी पहुंचे गुना। आज यहां पर गुना पहुंचकर DRM ने गुना से बिना तक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि DRM बनने के बाद इनका यह तीसरा गुना दौरा है। गौरतलब है कि गुना से बिना के बीच सभी रेलवे स्टेशनों के रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते आज DRM गुना पहुंचे। DRM ने गुना के अलावा पगारा, मावन आदि स्टेशनों को भी देखा एवं संबंधितों को आवश्यक निर्देश भी दिए। यात्री सुविधाओं के लिए जैसे क्या, एक तो टाइमिंग का ही ड्राइवर
में काम चल रहा है इसलिए नहीं हुआ, तो परमानेंट नहीं होगा, और जैसे काम हो जाएगा तो होगा। वो पानी स्टेशन पर भी, यहाँ पर भी जैसे क्या है कि वीआईपी वेटिंग रूम में, यहाँ से बस में आने के साथ कितना किराया लगता है भोपाल? 200। ट्रेन में कितना लगता है? ट्रेन में अपना सामान कुछ 90 रुपये या कुछ इस तरीके का। 90? फिर आप कैसे बोले किराया ज़्यादा बढ़ गया? नहीं तो सर, ये बहुत कम लगता है ना ट्रेन का, तो इसीलिए तो आप लोग कंपेयर हम लोग वहाँ कर रहे हैं, 2003 में जो रेट था उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। पहले 15 रुपए लगता था, 20 रुपए लगता था, 20 रुपए बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन भी तो आप देखिए ना, सबकी चीज बढ़ रही है, पगार बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सब चीज बढ़ रहा है, ट्रेन का दाम आपको लगा 2003 की रेट चली। हम यहाँ से बैठ के भोपाल जाएंगे 40 रुपए हमको आगरे का, भोपाल स्टेशन में बाहर निकल के भी आपको कहीं जाना है एमपी नगर, 100 रुपये का ऑटो लेके चले जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ से 40 रुपये में हमें सब सुविधाएं चाहिए, सुविधा है, कुछ भी है, दे भी रहे हैं, और भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। धीरे धीरे हो रहा है, जैसे अभी आपके यहाँ देखिए फ्लोरिंग का भी हम सुबह देख रहे थे कितना अच्छा बन रहा है, सब कौन से बस अड्डे में आपको अच्छा चमकता है। और इसमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिए, आप लोग यहाँ के लोकल एरिया से, आप लोग जैसे हम तो यहाँ, हम तो एक दिन आते चले जाएंगे, 2 साल और हम यहाँ चलेंगे, ये स्टेशन आप लोग का आपको इस्तेमाल करना है। पब्लिक आती है, चूकती है, पान खाती है, बेचती, उनको भी राय खड़े होकर बाहर पेशाब करती है, तो भाई बात नहीं होगा कि करो यूनियन में पेशाब करने में कोई पैसा भी लगता है, तो ये आपका शहर है, आपको भी करना है, माध्यम से साफ सफाई मिलती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्रांगण में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर गणेश जी की विशाल प्रतिमा एवं झांकी लगाकर आज यहां पर सामूहिक रूप से गणेश जी की आरती का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में एबीवीपी के लगभग सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया, साथ ही कॉलेज स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, यहाँ पर प्रसादी वितरण भी की गई। कार्यकर्ताओं द्वारा गणेश जी की आरती का आयोजन किया गया था यहाँ पे। कल हम लोगों ने आरती की थी, आज सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर महाआरती का आयोजन किया गया है एवं कहाँ पे करी थी? शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीजी कॉलेज में हम लोगों ने आरती की। भारत विकास परिषद के द्वारा सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन दिनांक 29 अगस्त से शुरू किया गया है, साथ ही आज एक निजी स्कूल में बाल संरक्षण एवं प्रबंधन विषय पर व्याख्यान देने के लिए भोपाल से विभिन्न जोशी पहुंचे। श्री जोशी स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के कार्यकर्ता है एवं बाल सुरक्षा पर कई दिनों से कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ किया गया, इसके बाद व्याख्याताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला सशक्तिकरण महिला एवं बाल विकास द्वारा किया गया। बच्चों के अधिकारों का दस्तावेज, चूंकि यह दस्तावेज 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के तौर पर आयोजित किया जाता है, तालियां। और ये जो संयुक्त राष्ट्र का जो दस्तावेज है UNCRC, इस पर भारत ने 11 दिसंबर 1992 को हस्ताक्षर किए। कहा जाता है कि वह भारत में बच्चों के अधिकारों का टर्निंग पॉइंट है। अभी हम लोग बात कर रहे थे भारत के संविधान की कि वो बच्चों के सर्वोत्तम हित में कैसे है, हम लोग बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र की संधियों की कि बच्चों के सर्वोत्तम हित में है, अब हम बात करते हैं भारत की नीतियों की, वह बच्चों के सर्वोत्तम हित में कैसे। आज से लगभग 42 वर्ष पहले भारत सरकार की पहली बाल नीति आई 1974, चाइल्ड पॉलिसी। हमने बात करी संयुक्त राष्ट्र की संधियां जो बच्चों के सर्वोत्तम हित में है, हमने वो बात करी कि भारत सरकार की नीतियां जो बच्चों के सर्वोत्तम हित में है, अब हम बात करते हैं बच्चों के वह कानून। सुप्रीमली इम्पोर्टेंट एसेट, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट तक सीमित नहीं रहा, उसमें कहा गया सुप्रीमली इम्पोर्टेंट एसेट, तो उस दिन से माना जाने लगा कि बच्चों के अधिकारों का और महत्व देश में बढ़ गया है। अगली नीति भारत सरकार की आई 2003 में, उसके बाद जो भारत सरकार की बाल नीति
भारत विकास परिषद द्वारा संस्कृति सप्ताह के अंतर्गत बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे भोपाल से विभांशु जोशी जी आए हैं। वो बाल संरक्षण और जीवन प्रबंधन पर यहाँ व्याख्यान दे रहे हैं। और भारत विकास परिषद का जो संस्कृति सप्ताह है, तो उसका आज तीसरा दिन है। यहाँ पर 4 तारीख को इस संस्कृति सप्ताह का समापन। इसके अंतर्गत हमने विभिन्न कार्यक्रम किए हैं बच्चों को लेकर। तो आज विभांशु जोशी जी को बुलाया है, एक बड़ा नाम है जिसमें वो अपना जीवन प्रबंधन पर देगा। बच्चों को प्रमुख रूप से क्या बताया जा रहा है? बच्चों के जो कानून हैं भारतीय संविधान में, बच्चों के क्या कानून हैं उनके संरक्षण को लेके, और साथ में वो अपना जीवन किस तरह से एक गौरवपूर्ण जी सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको जीवन प्रबंधन को लेके यहाँ बताया जाता है। अनिरुद्ध सिंह सेंगर, मैं भारत विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ। विगत देर रात भुलनपुरा क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रक ने एक 22 वर्षीय युवक को रौंदा, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद युवक के पक्ष में कई लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने ट्रक समेत ड्राइवर को जलाने की कोशिश की। साथ ही ट्रक में तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि वक्त रहते वहां पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बमुश्किल ट्रक एवं ड्राइवर को कोतवाली पहुंचाया गया। गाड़ी क्यों जी सर? क्या हादसा हुआ जी? कल रात करीब 10:30 बजे मेरा भांजा नीरज जाटव हड्डी मिल से अपने दोस्त को छोड़ के घर की ओर आ रहा था। भुल्लनपुरा बाईपास पे रहता है वो, तो इधर जस्टम चौराहे से आर ओन की ओर जा रहा है ट्रक MP09HH2354 ने उसको बालाजी हॉस्पिटल के सामने से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो इसमें आप किसकी मानते हो लापरवाही? प्रशासन की? शासन ट्रक ड्राइवर जो बहुत तेज स्पीड में आ रहा था, उसने आगे सामने से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हुई। आपका नाम? मेरा नाम बंटी खर है। क्या हादसा हुआ? हादसा तो सर आए दिन होते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप ये बताइए कि SP बंगले के आगे कोई ट्रैफिक जाम होता है क्या कभी? इस अस्पताल के आगे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, कईयों के हाथ पैर टूट जाते हैं। यहाँ पे ब्रेकर बनना चाहिए सर, सामने कायदे से आगे चल के, थोड़ी सी आगे चल के स्कूल भी है सर, वहाँ पे स्कूल के आगे भी कायदे से ब्रेकर बनना चाहिए। हाथी मंदिर है, पूरी बस्ती बसी हुई है वहाँ पे, पुलिस वाले भी रहते हैं वहाँ पे, 2 दिन में रहते हैं, 2 रात में रहते हैं। लेकिन पुलिस वालों का काम केवल ये रहता है ट्रक आए उसके पीछे लगे और उनसे पैसे लिए और छोड़ दिए। इतना ही मेरा कहना है कि सर हॉस्पिटल के आगे और स्कूल के आगे ब्रेकर जरूर बनना चाहिए। आपका नाम? अप्पू मौर्य। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा चाइना के सामान का बहिष्कार किया गया। यहाँ बता दें कि लंबे समय से देश भर में चाइना के बने सामानों को लेकर विरोध प्रदर्शन काफी तेज चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज देश भर के विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल कार्यकर्ताओं के तत्वावधान में जगह जगह चाइना के सामान की होली जलाई गई। साथ ही चाइना के सामानों का बहिष्कार करने के लिए आमजन से अपील भी की गई। इस क्रम में गुना के जैस्तम चौराहे पर चाइना सामान की होली जलाई गई। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे देश में एक साथ चीनी सामान का बहिष्कार है। चीन जो है पाकिस्तान से मिलकर भारत को आगे दिखा रहा था, लेकिन भारत के अड़ियल रवैये से और चीन को नीचे दिखा दिया और चीन को पीछे हटा दिया। चीन धोखा देता है भारत के लिए, भारत के ऐसे युद्ध करने तैयार था। इसके बाद में जब भारत ने पूरी प्रतिक्रिया करी, सरकार ने पूरी प्रतिक्रिया, चीन पीछे हट गया। हम पूरे देश में चाहते हैं कि पूरा देश, भारत के जो निवासी हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से अपील की है कि कोई चीनी सामान न खरीदें, और सभी देशवासियों से अपील करते हैं कोई चीन का सामान न खरीदे और चीन का बहिष्कार करें। चीन हमारा दुश्मन है। भा...
भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्स के लिए बालिकाओं का चयन प्रक्रिया आज गुना में शुरू की गई, जिसमें शुरुआती योग्यता 10वीं पास की मांगी जा रही है। साथ ही कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। साथ ही अन्य कई जानकारियां भी उन्हें उपलब्ध कराई गई और इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार आज यहां पर बालिकाओं का चयन किया गया। यहां से करीब 20 छात्राओं का चयन होकर ग्वालियर जाएगा, जिसके बाद वहां पर कुल 50 बालिकाओं को पैरामिलिट्री के द्वारा शिक्षा एवं अन्य गतिविधियां सिखाई जाएंगी। सोनम राजपूत, मोनिका, मोनिका राजपूत, पूजा राजपूत, पूजा राजपूत, पतंग थोड़ा साइड में हो रही है, पत्ती लेके जाना, पत्ती लेके आ बच्चा। ये भारत सरकार, भारत शासन द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स में छात्राओं को प्रवेश देने हेतु शिक्षा के साथ साथ इन बच्चियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए जो तो निर्धारित योग्यताएं दी हैं, कक्षा 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए 50% अंक के साथ, इनकी आयु 18 वर्ष होना चाहिए और ऊंचाई इनके 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन इनके ऊंचाई के अनुपात के अनुसार है। इसमें 3 शारीरिक जो इनके परीक्षण के बाद शारीरिक जो इनके नापतौल होगी, इसके बाद इनको 1 मील की दौड़ पूरी करना है 8 मिनट 40 सेकंड में, लंबी कूद और ऊंची कूद, ये 3 विधाओं में जो इन बच्चों को यहाँ अपना टेस्ट देना होगा। और इन तीनों में चयनित होने के बाद इसमें से जो हमारे पास स्ट्रेंथ आई है, इसमें से 20 बच्चियों का चयन किया जाना है। इस तरह से टोटल 50 बच्चे ग्वालियर में पढ़ाई के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती होने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यहाँ से हम 20 बच्चियों को चयनित करके ग्वालियर लिखित परीक्षा के लिए बच्चों को भेजेंगे। तेजाजी दशमी पर चाचौड़ा में तेजाजी भगवान की पूजा अर्चना ढोल बैंड बाजों के साथ की गई। साथ ही यहां पर एक विशाल जुलूस भी निकाला गया। आपको बता दें कि तेजाजी दशमी सबसे बड़ी दशमी मानी जाती है। हिंदू परंपरा के अनुसार ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है। तेजाजी महाराज के पंडा खैर सिंह राजपूत ने बताया कि आज के दिन भगवान तेजाजी महाराज के लिए चंदा एकत्रित कर ढोल ताशों के साथ पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर पूजा अर्चना हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। आजा ने करी पूजा, हमारे पिताजी ने करी, अब पिताजी के पुत्र कर रहे हैं। तो इसके बारे में किस प्रकार से कर रहे हो, कैसे करते हो? बस्ती में, मोहल्ला बस्ती में मांग के, सारी बस्ती से? अब सारी बस्ती समझ लो, चौहानी बस्ती समझ लो, सारी बस्ती, सारी बस्ती, सारी बस्ती से घूम कर लेते हो प्रसाद देना। इनकी क्या मानदो जाती है? ये मान का देवता है वो, जय हीरामन जी है, जय हीरामन जी है, तेजाजी। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। बहुचर्चित पारदी आत्माराम के केस में आया एक नया मोड़, जब पुलिस ने पेश किए गवाह, और गवाह भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस गवाही के बाद साफ तौर पर दिखने लगा है कि किस तरह से गुटबाजी चली आ रही है पुलिस विभाग में। बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस विभाग में 2 टीमें काम कर रही हैं, पर यहां तो साफ नजर आ रहा है जब खुद रावगढ़ SDOP अनुराग पांडे जिस केस की देखरेख कर रहे हैं और बयान ले रहे हैं, और वो कर देते हैं एक बहुत बड़ी चूक भी ऐसी कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आत्माराम के केस में 3 लोगों की गवाही होनी थी, जिसमें से एक थी कादियाबाई। यहां प्रभु गवाह के रूप में पेश की गई कादियाबाई, जिसकी उम्र 25 वर्ष और उसका पति जितेंद्र बताया गया है। वहां सोचने वाली बात और जानने वाली बात यह है कि कादियाबाई, जिसकी उम्र महज 3 वर्ष है,
और जिसके पिता का नाम है जितेंद्र। उसके बाद भी एसडीओपी अनुराग पांडे ने अपने कथन में उसको उसका पति बताते हुए कादियाबाई की उम्र 25 वर्ष करके साथ ही कादियाबाई का अंगूठे का निशान भी कागजों पर लिया गया है। एसडीओपी अनुराग पांडे की कार्यशैली यहां पर संदेह के घेरे में है कि किस तरह से उन्होंने 3 साल की बच्ची को 25 साल का बताते हुए और उसी के अंगूठे का निशान बयान के कागजों पर ले लिया। आपको बता दें कि बहुचर्चित आत्माराम मामले में सुलोचना पारधी एसआई रामबीर सिंह कुशवाहा पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही है कि रामबीर सिंह कुशवाहा ने अपने साथियों के साथ मिलकर आत्माराम को गोली मार दी और उसको अपने साथ ले गए। वहीं आत्माराम की पत्नी की बात माने तो उसका यह कहना है कि उसका पति गुना से लापता न होते हुए गुड़गांव से लापता हुआ है। साथ ही राधोगढ़ एसडीओपी अनुराग पांडे का कादियाबाई का बयान लेना इस बात की ओर इंकित कर रहा है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी ही दाल काली है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला संदेह के घेरे में है क्योंकि जिन 3 महिलाओं की गवाही हुई है उस दिन, उन 3 महिलाओं का ये कहना है कि हमें तो पता ही नहीं है और ना ही हमें थाने में बुलवाया गया और ना ही किसी ने हमारे कोई बयान लिए। समझ से परे है कि अगर ये 3 महिलाओं के पास कोई नोटिस नहीं पहुंचा और ना ही ये थाने पहुंची तो एसडीओपी अनुराग पांडे ने किसके बयान ले लिए और किसके अंगूठे के निशान बयान के कागजों पर लगवा दिए। जब इस बारे में हमने शहर के एसपी अविनाश सिंह से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मुझे अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, शीघ्र ही इस बात की जानकारी लेकर मामले की तफ्तीश करेंगे। वहीं गुप्त सूत्रों की माने तो यहां पर खेल कुछ और ही चल रहा है। यहां पर पुलिस विभाग अपने आप में 2 फड़ों में बट गया है जिसमें हर बंदा अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को गिरा देना चाहता है। कब तक चलेगा ये खेल और कैसे बच पाएगा गुना इस खेल से, समय बताएगा। बच्ची क्या नाम है? काव्या। पिता का नाम क्या? जितिन। उम्र कितनी है बच्ची? 3.5 साल। और इसमें एफआईआर में तो इसका नाम गवाही में तो ज्यादा लिख रहा है, 25 साल बता रहे हैं। अब यहाँ हम रहते नहीं, हम तो बाहर ही रहते हैं। मैं बिलाखेड़ी विश्वानगर भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो पुलिस वालों ने इसका उसमें लिख देना, क्या पता किसी का कैसे बन जाता है। रमसो भाई, रमसो भाई क्या हुआ था आत्माराम के साथ? साहब हमने कुछ देखा भी नहीं, ना हमको कोई पता भी नहीं, हम कोई पुलिस वाले जानते ना कोई थाने में गए ना किधर भी नहीं गए। अप्रोच ऐसे हमारे पे लगा के और अचानक हम पर ये फोन आया तो हमको तो घबराहट हो गई। हम कभी थाने में गए नहीं, किस बात की हमने कुछ भी नहीं सोचा। और क्या ये बात से हमारे को फोन लगाया, हमारे को फोन लगाया तो हम रोटी भी, आज रोटी भी नहीं खाई हमने। कल फोन आया था तो रोटी भी हमने बना के नहीं खाई, भूखिया है अभी भी, भूखे ही हैं हम। तो वहाँ पुलिस को आपने बयान दिए हैं कि आत्माराम की हत्या कर दी गई थी पुलिस वालों ने? नहीं साहब, कोई पुलिस वाला हमने देखा नहीं, ना कोई आया भी नहीं वहाँ। एक कादियाबाई कौन है? मेरी नातनी है सर। क्या उम्र है कादियाबाई की? अब कभी कभी 3.5 साल की लड़की है। शादी हो गई उसकी? नहीं, छोटी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है साहब। वो पुलिस ने बयान में लिखा है कि कादियाबाई शादीशुदा 25 साल की है। नहीं साहब, छोटी सी बच्ची है, क्या शादी करेगी वो। क्या कथन दिए हैं आपने पुलिस में आत्माराम की हत्या को लेकर? हमने देखा नहीं आत्माराम को, पहचानते नहीं। तो पुलिस ने तो आपका अंगूठा लिया होगा ना? हमने तो अंगूठे भी नहीं दिए, ना गए भी नहीं पुलिस में। थाने नहीं बुलाया आपको? नहीं बुलाए भी नहीं, हम गए ही नहीं थाने। कादियाबाई आपकी कौन लगती है? काव्या मेरी भांजी है, भतीजी है। उसके पिता का नाम क्या है? काव्या का जितिन। जितिन, जितेन नाम है काव्या के पति, पिता का पापा है। पुलिस ने लिखा है कि वो शादीशुदा है और 25 साल की। शादीशुदा नहीं है तो बच्चा है, पिता 3 साल का है, 3.5 साल का बच्चा है। क्या हुआ था आत्माराम के साथ? अब हमको क्या पता क्या हुआ है क्या नहीं। तो कथन जो आपने दिए हैं वहाँ पर आपके अंगूठा नहीं लिया आप बोल रहे हो, लेकिन वहाँ सब है। अंगूठे भी नहीं दिए और आत्माराम को भी हम नहीं पहचानते हैं, कौन सा आत्माराम। मेरे संज्ञान में तो अभी ही लाया गया कि वो बच्ची 3 साल की है जिसके बयान काटे गए हैं, ज़्यादा उम्र बता के मैं मामले की तस्दीक करूँगा। डीजाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।